हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट कार्डियो की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो क्रिकेटर्स, मैं चाहे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग या फिर विकेट कीपिंग की वीडियो क्यों ना बना लूं, मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखती है कि गगन सर आपको कवर ड्राइव की वीडियो बनानी चाहिए, आपको कवर ड्राइव की ड्रिल्स बतानी चाहिए। तो हाँ क्रिकेटर्स, आज ये चीज़ मैं पूरी करने वाला हूँ। आज हम कवर ड्राइव के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको टेक्निक बताऊंगा, उसके बाद आपको ड्रिल्स और आपकी गलतियाँ भी बताने वाला हूँ। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को यार देखो, इतने सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मेरी वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। प्लीज यार, इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब तो बनता है यार। कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछते रहिए और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो पर। क्रिकेटर, सबसे पहले मैं ड्राइव्स की बात करूं तो आपकी तीन टाइप्स की ड्राइव्स होती है। सबसे पहले होती है कवर ड्राइव, दूसरी होती है स्ट्रेट ड्राइव, तीसरी होती है ऑन ड्राइव। आज हम स्पेसिफिक कवर ड्राइव के ऊपर बात करने वाले हैं। कवर ड्राइव सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्ट लाइन और लेंथ कवर ड्राइव खेलने की कौन सी होती है। तो क्रिकेटर्स, अब सबसे पहले हम कवर ड्राइव की प्रॉपर लाइन की बात करें तो देखो, यहाँ पे आप स्टांस लोगे, इसकी प्रॉपर लाइन होती है ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर। जहाँ पे मैंने कोन रख रखा है, बिल्कुल ये परफेक्ट बॉल रहेगी। यहाँ पे अगर बॉल टप्पा खाती है तो ये परफेक्ट बॉल है आपकी कवर ड्राइव के लिए। और यहीं पर लेंथ आपको कैसे जज करनी है, लेंथ देखो, आप जहाँ पे स्टांस ले लोगे, बैट को ऐसे बिल्कुल टॉप ऑफ द हैंडल पकड़ना है और आपको एक सेमी सर्कल बनाना है आपकी रीच पता करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन चुका है, ऑलमोस्ट मेरा कोन तक है। जहाँ तक आपका सेमी सर्कल बन पा रहा है, थोड़ा सा आगे आपको कोन रख देना है। ये आपकी रीच है, आपको सबसे पहले अपनी रीच पता होनी चाहिए। अब यहां तक मेरा बैट जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी बॉल इस कोन से और मेरी साइड, फुल लेंथ की साइड, जो भी बॉल टप्पा खाएगी, मैं उसे आसानी से कवर ड्राइव खेल सकता हूं। मैं आपको खेल के दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पे बॉल बाउंस खा रही है कोन पे, अब कवर ड्राइव की प्रॉपर टेक्निक के लिए क्रिकेटर्स, आपको सबसे पहला स्टेप, आप कोई भी शॉट सीख रहे हो तो सबसे पहला बेसिक स्टेप है स्टांस लेना, स्टांस ले लेना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में बॉल की साइड आपके पैर लेके जाना है, ये देखिए ऐसे, और आपका जो पैर है वो इनसाइड ऑफ द बॉल होना चाहिए, आपका आउटसाइड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉल टप्पा खा रही है और पैर यहाँ पे लेके जा रहे हो तो ये तो आपके पैड पे आगे लग जाएगी, इसके लिए आप शॉट ही नहीं खेल पाओगे। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स क्या करते हैं, वो स्ट्राइड बहुत ज़्यादा लंबी ले लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, उनका बैट अच्छे से जा नहीं पाता, वो बैट फेंक देते हैं। फिर स्ट्राइड नॉर्मल होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा आपको एक्सटेंड नहीं कर देनी है, नॉर्मल स्ट्राइड और फिर ऐसे शॉट। अब हम वेट ट्रांसफर की बात करते हैं। जैसे ही आप फ्रंट फुट बॉल की साइड लेके जाओगे, आपका ये फ्रंट नी बेंड हो जाएगा। नी बेंड होते ही आपका वेट ट्रांसफर हो जाएगा आगे वाले फुट पे। अगर आपका वेट पीछे वाले फुट पे रहेगा, ये देखिए साइड से दिखाता हूं मैं, अगर आपका वेट पीछे वाले फुट पे रहेगा, आपके बेंड रहेगा, तो आप ऐसे खुल जाओगे। ऐसे खुलने की वजह से आप जब शॉट खेलने जाओगे, ये वाला शॉट एयर में जाएगा और आप आउट हो सकते हो। तो आपको अपना पूरा वेट आगे वाले फ्रंट फुट पे ही रखना है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप बॉल की साइड जा रहे हो, आपका जो शोल्डर है और जो आपका हेड है, वो बॉल की लाइन में जाना चाहिए। पैर तो आगे चला ही जाएगा आपका। अगर आपका ये फ्रंट फुट अच्छे से नहीं जा रहा है तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए ड्रिल्स हैं लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखना। अब शोल्डर और हेड ऐसे एक सिंगल लाइन में आएगा, आपका ऐसे ओपन चेस्ट नहीं होना चाहिए, साइड ऑन पोजीशन, ऐसे वेट ट्रांसफर हो रहा है। और आपका जो बैट है वो दूर से नहीं आना चाहिए बॉडी से, वो बॉडी के पास से ही आएगा, जहाँ पे आपका नी है बिल्कुल आपके नी के साइड से आएगा। स्टांस, वेट ट्रांसफर, शॉट। और इसमें अगर हम डोमिनेंट हैंड की बात करें तो आपका टॉप हैंड जो होता है ये डोमिनेंट होता है इस शॉट में। आपका बॉटम हैंड बस एक सपोर्ट के लिए होता है, बाकी जो भी जान लगती है ग्राउंडेड शॉट जो जाते हैं वो टॉप हैंड का ही काम होता है। अब क्रिकेटर्स, हम कवर ड्राइव की मिस्टेक्स की बात करें तो यार काफी ज्यादा बैट्समैन तो जज ही गलत कर लेते हैं, गलत लाइन और लेंथ पे बॉल खेल लेते हैं। अब जैसे शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है तो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे अगर आप ऐसे कवर ड्राइव खेलने जाओगे तो ये बॉल राइज करेगी आपकी, इसकी वजह से जैसे ही आप शॉट खेलोगे ऐसे ऊपर लग जाएगी स्टिकर की साइड यहाँ पे और ये सीधा यहीं पे बॉलर के पास या फिर मिड ऑफ के हाथ में कैच उठ जाएगी। तो सबसे पहले आपको लाइन और लेंथ अच्छे से जज करनी है। सेकेंड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मोस्टली आपके जो भी बैट्समैन होते हैं वो हेड गिरा देते हैं ऐसे, वो बॉल की ऐसे लाइन में नहीं जाते, वो हेड गिरा देते हैं और ऐसे खेलते हैं दूर से,
हेड गिराने की वजह से आप जज नहीं कर सकते कि बॉल किस साइड आ रही है और आपको शॉट किस साइड खेलना है। सबसे पहली ड्रिल आपको शैडो करनी है जितनी ज्यादा आप हो सकते हो, कम से कम 50 से लेके 60 शैडो तो आपको एक सेट में करना ही है। शैडो में आपको क्या करना है, जो जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई है उसी टेक्निक को यूज करके अपना जो भी मैंने आपको बताया पैर आगे डालना है और ऐसे साइड ऑन जाना है, तो वो प्रॉपर आपको ऐसे कवर ड्राइव खेलनी है और स्टे करना है इसी पोजीशन में जितना ज़्यादा हो सके। दूसरी ड्रिल में आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, वो पार्टनर आएगा और हमें बॉल डिलीवर करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यश को मैं बुलाना चाहूँगा। आप कोई भी दो पार्टनर मिलके ये कवर ड्राइव की ड्रिल कर सकते हो। आपका पार्टनर यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा और वो एक हाथ ऐसे करके आपको बस ड्रॉप करेगा आपके सामने बॉल। जितना हो सके इस पोजीशन में स्टे करिए। तीसरी ड्रिल में आपको एक कोन की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको कोन खरीदने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वरना आप आधी बॉटल काट के उसे उल्टा भी रख सकते हो जिसके ऊपर बॉल खड़ी रहे, तो आपको ऐसे बॉल रख देनी है, स्टांस लेना है, शॉट, दोबारा एक और बॉल लेनी है। क्रिकेटर्स जब हम बिगनर्स थे इन्हीं ड्रिल्स के कर करके कवर ड्राइव हमने परफेक्ट बनाई है। प्रॉपर आपको अपने स्टाइल में खेलना है। और चौथी और आखिरी ड्रिल में आपका एक दोस्त आपको ऐसे सामने से बॉल फीड करेगा अंडर आर्म, वो बहुत ही अच्छी ड्रिल होने वाली है। उसमें आपको क्या बोलना है अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर फुल लेंथ पे बॉल नहीं थ्रो करेगा, थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ करेगा ताकि आप उसको ड्राइव बनाए। जो थोड़ी सी छोटी बॉल हो जाती है उसको हम ड्राइव नहीं बना पाते, वो एयर में चली जाती है। उसे भी ग्राउंडेड खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। क्रिकेटर्स आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। इतने सारे लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप वीडियो देखते हो, अपने भाई को प्यार करते हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मैं आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ आजकल। जो भी आपकी क्वेरीज आती है जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए, क्रिकेट खेलते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।